मध्य प्रदेश के सतना और जबलपुर में जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इन लोगों ने इंदौर स्थित कंटेनमेंट जोन में पुलिस की टीम पर हमला किया था। तीनों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की गई है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। बीते शुक्रवार इनमें से दो लोगों को सतना जेल और एक को जबलपुर जेल भेजा गया। इस मामले के सामने आने के तक सतना में कोरोना का एक भी केस नहीं था। जबलपुर में अभी तक कोरोना के 9 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले अभी तक इंदौर से सामने आए हैं। यहां 311 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। सतना के जिला अधिकारी अजय कोस्तारी ने गिरफ्तार आरोपियों के कोरोना संक्रमित होने के बारे में बताया कि हमें इंदौर से पहले ही जानकारी नहीं मिली थी। जब वह जेल पहुंचने वाले थे तब प्रशासन ने मुझे बताया और फिर हमने उन्हें आइसोलेशन सेल में रखा। हमें जानकारी मिली कि जिस शख्स को जबलपुर में पकड़ा गया है वह भी कोरोना का संक्रमित है। अन्य लोगों की जांच रिपोर्ट रविवार को मिली और उनमें भी वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आरोपियों के संपर्क में आने वाले कुछ लोगों का क्वारंटाइन किया गया है और कुछ को घर पर रहने को कहा गया है। इनमें से 9 लोग सतना जेल से जुड़े हुए हैं। एक चाय बेचने वाले शख्स को भी क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि इंदौर पुलिस जब आरोपियों को सतना जेल लेकर आ रही थी तो वह लोग चाय पीने के लिए उसके पास रुके थे। इंदौर जिला प्रशासन ने उन 8 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन करने के आदेश दिए हैं जो इन लोगों को जेल तक ले गए थे। इससे पहले जबलपुर जेल के सुपरिटेंडेंट गोपाल तमराकर ने इस बात पर गौर किया कि जिन लोगों को इंदौर से लाया गया है उनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। जेलर ने फैसला किया कि उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें एक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भिजवाया गया। आपको बता दें कि गिरफ्त में आए लोगों ने बीते 7 अप्रैल को इंदौर के चंदन नगर में पुलिस टीम पर हमला किया था। आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। इंदौर से रासुका के आरोपी 2 बंदी भेजे गए थे सतना, उनको हमने जांच कराया था, वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट आ गई है। इसके साथ ही साथ इनके कॉन्टैक्ट में 8 जेल प्रहरी आए थे, तो हमने एडवांस प्लानिंग करते हुए उन सभी को कल ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.